ऐश्वर्या राय इंडिया की वह पहली एक्ट्रेस हैं जिनका साल 2004 में लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में स्टैचू लगाया गया था। आज उनका पुतला दुनिया के कई देशों के म्यूजियम में लगा हुआ है। ऐश्वर्या ऐसी पहली भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्हें मशहूर कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी मेंबर्स में शामिल किया गया था। इसकी घोषणा साल 2003 के दौरान हुई थी। जब ऐश्वर्या 9वीं कक्षा में थी तब उन्होंने कैमलिन पेंसिल के एड में काम किया था। ये उनका पहला एड शूट था। एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने कहा था कि वह अब डायरेक्शन के फील्ड में जाना चाहती हैं और इसके लिए उनके पति अभिषेक बच्चन ने भी उन्हें इनकरेज किया था। ऐश्वर्या पढ़ाई में काफी अच्छी थी। सिमी गरेवाल के शो में उन्होंने कहा था कि वह मेडिकल कर रही थी और उनका फेवरेट सब्जेक्ट जूलॉजी हुआ करता था। वह फिल्मों में नहीं बल्कि मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहती थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ऑफर करिश्मा कपूर से पहले ऐश्वर्या राय के पास गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था क्योंकि तब वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। पर आमिर के बुलाने पर वह इस फिल्म के प्रीमियर पर गई थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आमिर उनसे नाराज हों। ऐश्वर्या ने फिल्मों में कदम रखने से पहले एक टीवी शो में वॉइस डबिंग आर्टिस्ट के लिए ऑडिशन दिया था जहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। पर ऐश्वर्या की इस आवाज और आंखों पर फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली फिदा हो गए और अपनी सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम ऐश्वर्या के नाम कर दिया। शायद ऐश्वर्या बॉलीवुड की वह पहली एक्ट्रेस हैं जिन्हें डाइटिंग पसंद नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि अभिषेक और वह जो कुछ भी खाते हैं उसकी कैलोरी को गिनना पसंद नहीं करते हैं। ऐश्वर्या अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने दो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के एड शूट किए हैं। ये दोनों कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के ही एड हैं। ऐश्वर्या ने साल 1997 में इरुवर नाम की तमिल फिल्म से डेब्यू किया था। उसी साल और प्यार हो गया फिल्म से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई जिसमें बॉबी देओल उनके हीरो थे। ऐश्वर्या एक क्लासिकल डांसर हैं। उन्होंने काफ़ी कम उम्र से ही क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। इसकी झलक उनकी फिल्म ताल, उमराव जान, देवदास, जोधा अकबर में देखने को मिलती है। टेलीग्राफ ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड्स बोर्ड ऑफ टूरिज्म ने 2005 में ये ऐलान किया था कि वहाँ के सबसे खूबसूरत ट्यूलिप फूल की एक वैरायटी का नाम ऐश्वर्या के नाम पर रखा गया है। ऐश्वर्या ऐसी पहली भारतीय सेलिब्रिटी हैं जो मशहूर टॉक शो द ओपरा विनफ्रे शो में गई थीं। साल 2009 में ऐश्वर्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं 2012 में फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया।